बहुत ज्यादा ताकत रखने वाला इंसान एक शरारती बच्चे को उठाकर आसमान की तरफ फेंक देता है और जब वो बच्चा जमीन पर वापस आता है तो उस बेचारे की हालत काफी खराब हो जाती है। ये पावरफुल इंसान हैनकॉक आखिर है कौन? इसी के साथ हम देखते हैं कि कुछ रॉबर्स पुलिस की गाड़ी से बचकर चोरी करके भाग रहे थे और ये न्यूज हर जगह पर दिखाई जा रही थी। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि सो रहा था और उसने कैप भी पहनी हुई थी। तभी वहाँ पर एक बच्चा आता है और उसे कहता है, हैनकॉक गेट अप जस्ट लुक एट द बैड गाइस। असल में वो बच्चा उसे ये कह रहा था कि तुम एक सुपर हीरो हो, जल्दी उठो और बुरे लोगों से शहर को बचा लो। लेकिन हैनकॉक उस बच्चे की एक नहीं सुनता, इसीलिए वो बच्चा उसे फूल कहकर चला जाता है। ये वर्ड सुनकर हैनकॉक को काफी गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो फुल स्पीड में उड़ता हुआ उसी लोकेशन पर पहुंच जाता है जहां पर वो रॉबर्स चोरी करके भाग रहे थे। हैनकॉक सीधा जाकर उनकी गाड़ी में बैठ जाता है तो वो रॉबर्स उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पर आखिर कैसे आए। हैनकॉक उनसे कहता है, अरे ये क्या कर रहे हो तुम, ना लड़की है ना वाइन है, फिर भी तुम गाड़ी को इतनी स्पीड में चला रहे हो, तो यहाँ पर थोड़ी सी पार्टी तो होनी चाहिए ना। तभी बात सुनकर उन लोगों को गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो लोग हैनकॉक को शूट करने लगते हैं। गोलियों की वजह से हैनकॉक की वाइन की बॉटल और उसकी ग्लासेस टूट जाती है और इस वजह से तो हैनकॉक को बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो अपने पैरों से उस गाड़ी को वहीं पर ही रोक देता है। इस वजह से वो गैंगस्टर्स और ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो भी हैनकॉक को फूल कह देते हैं। हैनकॉक उसे कहता है, बस एक और बार मुझे फूल बोल दो और फिर देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। और जैसे वो गैंगस्टर उसे फूल बोलता है तो वहाँ पर हैनकॉक उनकी गाड़ी को किसी सुपरमैन की तरह हवा में उठाकर बिल्डिंग्स में दे मारता है और फिर वो उनकी गाड़ी को काफी ऊंची बिल्डिंग पर ले जाकर एक नुकीले पोल में गाड़ देता है। अब ये सब कुछ देखकर हमें ये तो अंदाजा हो जाता है कि हैनकॉक के पास सुपर पावर्स है, यानी वो हवा में उड़ सकता है, कोई गोली उस पर असर नहीं कर सकती और ये कि उसके पास सुपर हीरो जैसी बहुत सारी सुपर पावर्स है। अब हालांकि यहाँ पर हैनकॉक ने चोरी होने से तो रोक लिया था, लेकिन मीडिया तो उसके अगेंस्ट कुछ अलग ही न्यूज कवर कर रही थी और कहा जा रहा था कि हैनकॉक ने फिर से पूरे शहर में तोड़फोड़ करना शुरू कर दी है, करीब 90 लाख का नुकसान कर दिया है उसने। आखिर कौन भरेगा इतना नुकसान? अब हैनकॉक भी एक बार में बैठकर इस न्यूज को देख रहा था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम रे होता है और यहाँ पर वो अपनी कंपनी के कुछ लोगों को बहुत ही बड़ी प्रेजेंटेशन दे रहा था और कहता है कि आप इस कंट्री के बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, सभी का बिजनेस काफी अच्छा चलता है, हम लोग पैसा तो बहुत कमा लेते हैं लेकिन गरीबों के लिए कुछ नहीं करते, यानी हम गरीबों की कोई भी हेल्प नहीं करते, तो इसीलिए मैंने एक छोटा सा प्लान सोचा है कि क्यों ना हम पूरी दुनिया का एक यूनाइटेड सिंबल बनाएं जो कि दुनिया की हर कंट्री में एक जैसा ही काम करेगा और बेसिकली इसका मकसद होगा गरीबों की हेल्प करना और गरीबों को फ्री मेडिसिन देना। अब जब वो बिजनेसमैन ये वर्ड सुनते हैं फ्री, तो वो रे को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। तभी यहाँ पर रे का बॉस उसे कहता है, क्या तुम पागल हो गई हो, अगर हम फ्री में लोगों की हेल्प करते रहेंगे तो पैसा कैसे कमाएं। इसके बाद रे को उस मीटिंग से निकाल दिया जाता है। अब रे जब घर जा रहा होता है तो रास्ते में काफी भीड़ होती है, रे की गाड़ी के आगे भी एक गाड़ी होती है और पीछे भी, और तभी हम देखते हैं कि सामने से आती हुई ट्रेन जोर जोर से हॉर्न दे रही होती है जिसे देखकर रे काफी डर जाता है, इसीलिए वो अपने आगे वाले को कहता है, अरे गाड़ी हटाओ ट्रेन आ रही है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता और आगे वाला आदमी कहता है कि आगे भी ट्रैफिक है, आखिर कैसे हटाऊं गाड़ी में। तब यहाँ पर रे बचने की काफी कोशिश करता है, वो सीट बेल्ट खोलता है, गाड़ी का हैंडल खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो दोनों ही काम नहीं करते और उसकी गाड़ी का हैंडल तो टूट जाता है। अब यहाँ पर रे समझ जाता है कि अब वो नहीं बचने वाला, लेकिन तभी किसी फरिश्ते की तरह वहाँ पर पहुँच जाता है हैनकॉक और वो रे से पूछता है, अरे तुमने गाड़ी यहाँ पर क्यों लगाई हुई है। तब रे उसे कहता है, प्लीज यार मुझे जल्दी से बचाओ। तब हैनकॉक गाड़ी को उठाकर ऐसे ही फेंक देता है लेकिन वो तेज आती हुई ट्रेन को रोक नहीं पाता, इसीलिए किसी पिलर की तरह खुद इस ट्रेन के आगे खड़ा हो जाता है और उसे टकराकर वो ट्रेन वहीं पर ही रुक जाती है। अब हालांकि यहाँ पर हैनकॉक ने रे की जान तो बचा ली थी, लेकिन जब वो ट्रेन की तरफ देखता है तो ट्रेन के पीछे वाले डब्बे अलग अलग चीजों से टकरा कर पूरे शहर को डिस्ट्रॉय कर चुके होते हैं जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत सारा नुकसान भी हो चुका होता है। ये देख कर वहाँ पर मौजूद सारे लोग हैनकॉक को अब्यूज करने लगते हैं, उसे बुरा भला कहने लगते हैं और उसे कहते हैं कि तुम फूल हो, तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी अकल नहीं है, देखो तुमने कितना नुकसान कर दिया है, क्या हाल हो गया है ट्रेन का और ट्रैक का। अब यहाँ पर हैनकॉक भी उन्हें कुछ नहीं कहता, उनकी बुरी बुरी बातें सुन रहा होता है और फिर वो कहता है कि बोलो जिसे जो बोलना है, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तभी वहाँ पर आकर उन लोगों से कहता है, हे क्या कर रहे हो तुम लोग, मेरी एक फैमिली है और अगर आज मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ इसकी वजह से, यानी हैनकॉक की वजह से, आज अगर ये ना होता तो मैं मर गया होता। तब हैनकॉक रिप्लाई में कहता है, इट्स ओके कोई बात नहीं। तब रे उससे कहता है कि मेरी गाड़ी तो पूरी तरह से टूट चुकी है तो क्या तुम मुझे मेरे घर तक ड्रॉप कर सकते हो। तब ये सुनकर हैनकॉक अपनी पावर से उसकी गाड़ी को ही उठाकर उसके घर पर ड्रॉप कर देता है।
और यहाँ पर हम रे के बेटे को देखते हैं जो कि हैंको का काफी बड़ा फैन था और वो हैंको को आज अपने ही घर में पाकर काफी खुश होता है। और तभी वहाँ पर रे की वाइफ मैरी भी आ जाती है और कहती है कि ये वही न्यूज वाला आदमी है ना जो हर जगह तोड़फोड़ करता है। तब रे कहता है कि आज इसने मेरी जान बचाई, अगर आज ये ना होता तो मैं जिंदा ना होता। तब हैंको उसे थैंक यू बोलकर वहाँ से जाने लगता है। तब रे उसे कहता है क्यों ना आज का खाना तुम हमारे साथ खाओ। इस पर हैंको कहता है यस ऑफ कोर्स व्हाई नॉट। अब खाना खाते वक्त ये लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी रे का बेटा कहता है कि यहाँ गली में एक बच्चा है जो मुझे बहुत तंग करता है। तब हैंको कहता है कि उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो, बस तुम उसे जोर से किक कर दो और वो वहीं पर चुप हो जाएगा। तब मैरी कहती है कि छोटा बच्चा है वो, उसे ऐसी बातें मत सिखाओ। तब ये सुनकर हैंको अपनी वाइन की बोतल लेकर वॉशरूम में चला जाता है। तब मैरी रे से पूछती है क्या वो सच में वॉशरूम में वाइन की बोतल लेकर गया है। अब वापस आकर हैंको रे को थैंक्स कहता है और वहाँ से जाने लगता है। रात को मैरी अपने हस्बैंड यानी रे को कहती है कि तुम हैंको से दूर ही रहना क्योंकि हर कोई उसे बुरा भला कहता रहता है और उसकी इमेज भी सोसाइटी में काफी खराब, और अगर तुम भी उसके साथ रहे तो तुम्हारी इमेज भी खराब हो जाएगी। अब ये सारी बातें हैंको उनके घर की छत पर बैठकर सुन रहा था। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग हम हैंको को देखते हैं जो कि नींद से जागता है और वो पास ही पड़े एक छोटे से बॉक्स को उठाता है और उसके अंदर पिक्चर की दो टिकट्स थी जो कि रे ने भिजवाई थी। तब उन्हें देखकर हैंको काफी इमोशनल हो जाता है और वो सोचता है हाँ सच में मुझे अपनी इमेज को अच्छा बनाना होगा यानी मुझे खुद को सुधारना होगा। इसीलिए वो सीधा रे के घर जाता है लेकिन रास्ते में उसे बच्चा फूल कह देता है। यहाँ पर हैंको उस बच्चे से पूछता है तुम्हारा नाम क्या। नाम बताने पर हैंको को पता चलता है ये वही बच्चा है जो रे की बेटी को परेशान करता है। वो बच्चा हैंको से पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो फूल। यहाँ पर हैंको उस बच्चे से कहता है बस एक और बार तुम मुझे फूल कहो और फिर देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। और जैसे वो बच्चा हैंको के पास आकर बोलता है फूल, तो हैंको आसमान में उस बच्चे को काफी ऊपर तक उछाल देता है, इतना ऊपर कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। और तभी वहाँ पर नीचे रे भी आ जाता है और वो पूछता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। तब हैंको उसे कहता है कि सब कुछ ठीक ही तो चल रहा है, कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पर। और तभी आसमान से वो बच्चा नीचे गिर रहा होता है लेकिन हैंको उसे नीचे गिरने से बचा लेता है। अब इस हादसे के बाद तो वो बच्चा रोता हुआ चिल्लाता हुआ वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर रे हैंको से पूछता है क्या तुमने इस बच्चे को हवा में उड़ाया था। जिस पर हैंको कहता है नहीं यार बस ये तो थोड़ी सी मस्ती कर रहा था, तो मैंने सोचा कि इसे थोड़ी सी हवा की सैर करवा दूं। इसके बाद ये दोनों जाकर अपने रूम में बैठ जाते हैं। यहाँ पर रे उसे कहता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो, लोगों की हेल्प करना चाहते हो लेकिन इसके बदले में लोग तुम्हें बुरा भला कहते हैं और तुम्हारी कोई भी इज्जत नहीं करता, इसीलिए तुम्हें उन लोगों को बताना पड़ेगा कि तुम्हारे अंदर सच में कितनी पावर्स है, बिल्कुल किसी सुपर हीरो की तरह, और तुम भी असल में एक सुपर हीरो हो जो हर टाइम लोगों की हेल्प करने के लिए बिल्कुल तैयार होता है। हैंको कहता है हाँ मैं तो लोगों की ऐसे हेल्प करता हूँ। तो यहाँ पर रे उसे यूट्यूब की एक वीडियो दिखाता है और कहता है कि देखो एक बार बीच पर एक काफी बड़ी मछली पानी से बाहर आ गई थी और तुमने उसे उठाकर इतनी दूर फेंका कि वो दूर खड़ी बोट पर जाकर गिर गई। तब हैंको कहता है मुझे याद नहीं। इसके बाद रे उसे एक और वीडियो दिखाता है और कहता है कि देखो एक दिन तुम फटे हुए कपड़े पहनकर आइसक्रीम की शॉप में चोरी कर रहे थे, सब बच्चे तुम्हें देखकर हंस रहे थे क्योंकि तुम्हारे कपड़े इतने ज्यादा फटे हुए थे। तब हैंको उससे पूछता है क्या तुमने जलते हुए घर में से कभी लोगों को बचाया है। मेरा ऐसा हाल तभी हुआ था, मैंने एक जलते हुए घर से लोगों को बचाया था। अब इन दोनों की बातें हो ही रही थी कि तभी वहाँ पर मैरी भी आ जाती है और वो इन दोनों की बातों को इग्नोर करके अपना काम करने लगती है। यहाँ पर रे हैंको को कहता है कि अगर तुम अपनी इमेज को अच्छा बनाना चाहते हो तो तुम्हें लोगों के लिए कोई अच्छा काम करना होगा। और तभी न्यूज में न्यूज रिपोर्टर कहती है कि इस टाइम तक हैंको के खिलाफ तकरीबन 600 केसेस हैं लेकिन आज तक उसने कभी भी कोर्ट में गवाही नहीं और कभी भी वो जेल थाने में एंटर तक नहीं हुआ। तब यहाँ पर रे उसे कहता है हैंको ये ठीक टाइम है, अगर तुम लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाना चाहते हो तो तुम फौरन खुद को पुलिस के हवाले कर दो और जेल में चले जाओ और जेल में तुम एक कैदी की तरह रहो ताकि लोगों को लगे हाँ सचमुच अब हैंको सुधर गया है और जब लोगों को तुम्हारी जरूरत होगी तो वो सचमुच तुम्हें बुला लें। अब हालांकि हैंको ऐसा करना तो नहीं चाहता था लेकिन अब क्योंकि रे उसके लिए इतना कुछ कर रहा है इसीलिए वो खुद को पुलिस के हवाले करवा देता है। और यहाँ हैंको एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग में सिर्फ वही कहता है जो रे ने उसे लिख कर दिया होता है। इसके बाद पुलिस वाले भी उसे जेल में डाल देते हैं। हैंको को जेल में देख कर वहाँ के सारे कैदी उसे घूर रहे होते हैं और उसे बुरा भला कह रहे होते हैं और एक लंबा सा कैदी उसके सामने आकर उसका रास्ता रोक लेता है। तब हैंको उन सभी को कहता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ, तो वो सारे कैदी कहते हैं कि आखिर हम तुम्हें कैसे छोड़ दें क्योंकि तुम्हारी वजह से आज हम इस जेल में हैं। तब वो लंबा सा कैदी हैंको को कहता है कि बेटा बस तू तो आज गया। तब हैंको उसे कहता है कि अगर तुम मेरे रास्ते से ना हटे तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगा, इसीलिए चलो शाबाश मेरे रास्ते से हट जाओ। लेकिन तभी वो लंबा कैदी उसे फूल कह देता है। तब ये सुनकर तो हैंको को बहुत गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो एक छोटे कैदी को उसके अंदर घुसा देता है। अब इस इंसिडेंट के बाद उसे मिलने के लिए रे आता है और उससे कहता है कि तुमने अच्छा बनने की कसम खाई है और अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो कैसे सब कुछ ठीक होगा। और तभी हैंको वहां पर अपने नेल से ही उस ग्लास को
गोलाई में काट देता है और कहता है हाँ अब आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है। रे उसे बताता है कि तुम्हारी टोटल कैद 8 साल है। तब ये सुनकर हैनको को काफी गुस्सा आता है और इसीलिए वो वहाँ से दरवाजा तोड़कर निकलने वाला होता है। तब रे उसे कहता है कि अगर तुमने अच्छा बिहेव किया तो तुम्हारी सजा कम होकर 4 साल हो जाएगी और देखना ये 4 साल कैसे गुजरेंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और अगर गवर्नमेंट को तुम्हारी जरूरत पड़ गई तो तुम उसी टाइम ही छूट जाओगे और फिर तुम्हारे अच्छे काम तुम्हें एक सुपर हीरो बना देंगे। अब ये सारी बातें सुनकर हैनकॉक उसे जेल में रहने का फैसला करता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जेल के सारे कैदी एक जगह पर बैठकर एक मीटिंग कर रहे होते हैं जिसमें वो अपने अपने लाइफ के इंसिडेंट्स बता रहे होते हैं। लेकिन जब हैनकॉक की बारी आती थी तो वो यही कहता था पास इट्स मीन। उसके पास कुछ भी नहीं था बताने के लिए। जेल में सारे प्रिजनर्स अपना टाइम स्पेंड करने के लिए अक्सर वॉलीबॉल खेला करते थे लेकिन हैनकॉक तो हर बार एक ही बार में बॉल को डोज करके मैच को जीत जाया करता था। अब ऐसा करते करते काफी दिन गुजर जाते हैं जहाँ पर जेल में उसे मिलने के लिए फिर से रे आता है और वो हैनकॉक को कहता है कि अब तो बिल्कुल अच्छा काम कर रहे हो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट सीख लो जैसे कि हर उस पर्सन को गुड जॉब बोलो जिसने अच्छा काम किया हो। लेकिन यहाँ पर हैनकॉक कुछ भी नहीं कहता। फिर हर जगह टीवी पर ये न्यूज आने लगती है कि इस टाइम तक पूरी कंट्री में 30% तक क्राइम रेट बढ़ गया है और अगर हैनकॉक होता तो इतना क्राइम शायद ना बढ़ता। अब यहाँ देखते ही देखते कुछ लोग तो हैनकॉक के साथ हो गए थे और कुछ लोग आज भी उसे बुरा भला ही कहती थी कि जब भी हैनकॉक आता है वो हमेशा तोड़फोड़ मचा देता है। वो जेल में रहे तो ज्यादा बेहतर है, हम तो चाहते हैं कि वो कभी जेल से बाहर ही ना आए। इसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन हैनकॉक से मिलने रे की वाइफ मैरी आती है अपने बेटे के साथ। वो उसके लिए खाना लाई होती है जिसे खाकर हैनकॉक काफी खुश होता है। यहाँ पर मैरी हैनकॉक को बताती है कि रे तुम्हारे ऊपर काफी उम्मीदें लगाकर बैठा हुआ है इसीलिए तुम प्लीज उसकी उम्मीदों को मत तोड़ना, वो काफी अच्छा इंसान है। अब क्योंकि हैनकॉक को ड्राइंग का काफी शौक था इसीलिए उसने हर वॉल पर ड्राइंग्स बनाई हुई थी। फिर एक दिन वॉलीबॉल को खेलते हुए उनकी बॉल ग्राउंड से काफी दूर जाकर गिरती है। तब हैनकॉक उस बॉल को वापस लाने के लिए वहाँ से कूदता है। अब सारे पुलिस ऑफिसर्स और कैदी देखकर ये समझ रहे थे कि अब तो हैनकॉक भाग जाएगा। अब कुछ टाइम के लिए हैनकॉक भी यहाँ पर सोचता है कि क्यों ना मैं ये जेल तोड़कर यहाँ से भाग जाऊँ। लेकिन फिर उसे रे की बातें याद आती है और वो सोचता है कि नहीं अगर मैं यहाँ से भागा तो रे का दिल टूट जाएगा इसीलिए वो बॉल को लेकर वापस से जेल में आ जाता है। नेक्स्ट डे पुलिस ऑफिसर हैनकॉक को उठाकर उसे कहता है कि मिनिस्टर ने तुम्हें बुलाया है, इसका मतलब ये है कि पूरे कंट्री में क्राइम होने की वजह से अब उन सभी को जरूरत थी एक ऐसे सुपर हीरो की जो कि बुराई के खिलाफ लड़ सके, लोगों की जान बचा सके। इसीलिए हैनकॉक अपने सुपर हीरो कॉस्ट्यूम को पहनकर वहाँ पर चला जाता है जहाँ पर सारे पुलिस ऑफिसर्स एक बैंक में होने वाली रोबरी को रोक रहे होते हैं। वहाँ पहुंचकर हैनकॉक सभी पुलिस ऑफिसर्स को कहता है गुड जॉब तुमने अच्छा काम किया। तो पुलिस ऑफिसर उसे कहता है कि गुड जॉब कहना छोड़ो और जाओ अंदर और लोगों की जान बचाओ। और तभी हैनकॉक की नजर एक फीमेल पुलिस ऑफिसर पर पड़ती है जो कि गोलियां लगने की वजह से काफी इंजर्ड। तब हैनकॉक उसे पूछता है क्या मैं आपको टच कर सकता हूँ आपकी जान बचाने के लिए। तो वो पुलिस ऑफिसर कहती है हाँ जल्दी से मेरी जान बचाओ। और तभी हैनकॉक अपने एक ही हाथ से उस गाड़ी को उठा लेता है जिस पर बहुत सारे रोबर्स गोलियां चला रहे थे। हैनकॉक उस पुलिस ऑफिसर की जान बचाकर उसे कहता है गुड जॉब तुमने अच्छा काम किया। इसके बाद हैनकॉक वहाँ से निकलकर उसी जगह पर चला जाता है जहाँ रॉबर्ट्स ने अंदर बैठे सारे प्रिजनर्स पर टाइम बम लगाकर उन्हें छोड़ दिया था। हैनकॉक वहाँ पर पहुँचकर रॉबर्ट्स को मारकर एक एक करके उन्हें बिल्डिंग से बाहर फेंक रहा था। इसके बाद मेन रॉबर्ट का सामना हैनकॉक से होता है और वो हैनकॉक को कहता है कि तुमने मेरे इतने आदमियों को मार दिया है इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए उस बैंक के लॉकर को तोड़ दो और अगर तुम मेरे लिए ऐसा करोगे तो यहाँ पर जितने भी प्रिजनर्स हैं इन्हें जिन पर बॉम्ब लगा हुआ है उन्हें मैं छोड़ दूंगा। तब हैनकॉक कहता है कि नहीं ऐसा तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तब ये सुनकर उस रॉबर को गुस्सा आ जाता है और वो उसे फूल कह देता है। अब क्योंकि हैनकॉक को ये वर्ड काफी बुरा लगता था इसीलिए वो पास ही पड़े एक टेबल लैंप का नट खोलता है और उसे बिल्कुल एकदम फ्लैट बना देता है और कहता है बस मुझे एक और बार तुम फूल कह दो और फिर देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूं। और जैसे ही वो रॉबर उसे फूल कहता है तो तभी हैनकॉक उसके हाथ पर वो एक गोल फ्लैट चीज मारता है जिससे उसका हाथ कट जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर बैंक के बाहर जाता है जहां पर हैनकॉक उसके कटे हुए हाथ और बॉम्ब के रिमोट को एक पुलिस ऑफिसर को दे देता है और कहता है अब सारे लोग बिल्कुल सेफ हैं, गुड जॉब तुमने काफी अच्छा काम किया। तब जवाब में वो पुलिस ऑफिसर उसे कहता है कि आज हमने नहीं बल्कि तुमने अच्छा काम किया है। और देखते ही देखते पूरा शहर हैनकॉक के लिए क्लैपिंग करने लगता है। इट्स में लोगों को अब हैनकॉक की इम्पोर्टेंस का पता चल चुका था। अब हर मीडिया हर न्यूज के अंदर हैनकॉक काफी फेमस हो गया था। अब रात के टाइम डिनर के लिए हैनकॉक रे और मैरी एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं जहाँ पर वो अपनी लाइफ के कुछ मोमेंट्स शेयर कर रहे होते हैं। यहाँ पर रे बताता
बताया कि मुझे पहली बेबी से एक बेटा हुआ था, लेकिन फिर मेरी वाइफ की मौत हो गई। एक दिन जब मैं अपने बेटे के लिए शॉपिंग करने के लिए मॉल में गया तो मैं बहुत कंफ्यूज था, लेकिन तभी वहाँ पर मुझे मैरी मिल गई, जिसने मुझे देखते ही मेरी परेशानियों को समझ लिया और मेरी हेल्प की और हमेशा के लिए मेरे साथ रहने का डिसाइड किया। जिस पर मैरी कहती है, हाँ बिल्कुल, मुझे भी आज तक अपनी जिंदगी में रे जैसा इंसान कभी भी नहीं मिला, ये काफी अच्छे है। हैनकॉक, तुम भी अपने बारे में कुछ बताओ ना। जब हैनकॉक कहते हैं कि ये शायद काफी टाइम पहले की बात है, मेरे सर पर किसी ने बहुत जोर से अटैक किया था जिसकी वजह से मेरा सर फट गया और फिर वहाँ के लोग मुझे हॉस्पिटल लेकर गए, लेकिन फिर थोड़े ही टाइम बाद मेरी सारी चोटें फिर से हील हो गई। लेकिन जब मैं उठा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, लेकिन जब मैंने अपनी पॉकेट चेक की तो वहाँ पर पिक्चर की सिर्फ दो टिकट्स थी और कुछ भी नहीं। बिलीव मी, वहाँ पर कोई भी नहीं था मुझे संभालने के लिए। ये सुनकर रे कहता है कि आखिर ये बात न्यूज में क्यों नहीं आई, जिस पर हैनकॉक उसे कहता है कि ये तकरीबन 80 साल पुरानी बात और मैं इमॉर्टल हूँ, मैं कभी भी नहीं मर सकता। अब क्योंकि रे ने काफी ड्रिंक कर ली थी इसीलिए हैनकॉक उसे अपने कंधे पर उठाकर उसके घर छोड़कर आता है, लेकिन वहाँ से जाते टाइम वो मैरी को देखता है। अब यहाँ पर वो दोनों किसी अननोन रीजन की वजह से एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से मैरी उसे उठाकर काफी दूर फेंक देती है। तब ये देखकर हैनकॉक काफी हैरान हो जाता है कि आखिर उसे कोई टच नहीं कर सकता, गोलियां उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तो फिर मैरी में इतनी पावर कैसे आ गई, उसने उसको इतनी दूर कैसे फेंक दिया। तब यहाँ पर मैरी उसे आकर बताती है कि मैं भी तुम्हारी तरह यानी सुपर पावर्स रखने वाली, लेकिन अगर तुमने इस बारे में रे को बताया तो देखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग जब रे ने इनसे जागता है तो वो देखता है कि उसके घर की पूरी वॉल टूटी हुई है और उसकी गाड़ी का तो बहुत बुरा हाल। तब यहाँ पर मैरी आकर उसे बताती है कि वो कल रात हैनकॉक को काफी जोर से छींक आ गई थी और उसकी छींक की वजह से इतना बड़ा होल हो गया। तब ये देखकर रे काफी हैरान हो जाता है कि आखिर उसकी छींक से इतना बड़ा ब्लास्ट भी हो सकता है, और तभी वहाँ पर हैनकॉक भी आ जाता है। तब यहाँ पर बात को संभालने के लिए मैरी कहती है कि हाँ हैनकॉक, वो कल तुमने इतनी जोर से छींका था ना, इसलिए हमारी वॉल टूट गई, तो प्लीज आज भी जोर से मत छींकना। तब यहाँ पर हैनकॉक भी उसका साथ देते हुए कहता है, हाँ वो क्या है ना कि जब भी डस्ट होती है तो मुझे छींक आ जाती है। और तभी अचानक से रे के पास उसके बॉस की कॉल आ जाती है, जहाँ पीछे से हैनकॉक मैरी को परेशान करने की कोशिश करता है, कभी नुकीली चीज को उसके शोल्डर में छुपाने की कोशिश करता है, कभी बेलन से उसके सर पर मारता है, और जब वो दो पैन लेकर उसे मारने वाला होता है कि तब मैरी उसे देख लेती है। तब हैनकॉक उसे कहता है, आई कैन डू दिस ऑल डे। यहाँ पर मैरी हैनकॉक से पूछती है, आखिर तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, चाहते क्या हो तुम, ये सब कुछ तुम क्यों कर रही हो मेरे साथ। जिस पर हैनकॉक कहता है, क्योंकि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, इसीलिए शाम में तुम मेरे घर पर आकर मुझसे मिलो। तब मैरी उसकी ये बात मान लेती है। इसके बाद रे जैसे ऑफिस जाता है तो मैरी हैनकॉक से मिलने के लिए उसके घर पर चली जाती है। यहाँ पर हैनकॉक उससे पूछता है कि आखिर हम हैं कौन और हमारे अंदर इतनी सुपर पावर्स कैसे आ गई। तब मैरी उसे बताती है कि लोग तो हमें गॉड, फरिश्ते और आजकल के लोग तो हमें सुपर हीरोज भी कहते हैं। यहाँ पर हैनकॉक पूछता है, हमारे जैसे क्या और लोग भी मौजूद। इस पर मैरी कहती है कि नहीं, सब लोग मर चुके हैं और सिर्फ हम दोनों ही बचे हैं, और ये बात आज से हजारों साल पुरानी। यहाँ पर हैनकॉक उससे पूछता है कि आखिर तुम मेरी क्या लगती। तब यहाँ पर मैरी झूठ बोलते हुए कहती है कि मैं तुम्हारी बहन। तब ये सुनकर हैनकॉक कहता है कि नहीं, इम्पॉसिबल, क्योंकि जिस तरह से कल तुम मेरी तरफ अट्रैक्ट हो रही थी, मुझे नहीं लगता कि तुम मेरी बहन हो सकती और तुम मुझसे सच छुपा रही हो। तब मैरी कहती है, मैं बिल्कुल सच कह रही, मेरी बात का यकीन करो। लेकिन फिर भी हैनकॉक उसकी बात नहीं मानता और कहता है, क्योंकि ठीक है मत बताओ, और अब मैं तुम्हारी सच्चाई बताने जा रहा हूँ तुम्हारे हस्बैंड रे को। और अब यहाँ पर उसे रोकने के लिए तो मैरी उसे फाइट करती है, और अब देखते ही देखते उन दोनों के बीच एक जबरदस्त फाइट क्रिएट हो जाती है। हैनकॉक को रोकने के लिए मैरी वहाँ पर पड़े एक काफी बड़े ट्रक को उठाकर हैनकॉक पर दे मारती है, और यहाँ पर हैनकॉक भी उसका मुकाबला करता है। इस वजह से मैरी को काफी गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो वहाँ पर एक काफी बड़ा तूफान क्रिएट कर देती है। इसी वजह से पूरे शहर में काले बादल छा जाते हैं, वहाँ पर बर्फ जमने लगती है। इनकी लड़ाई इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि आसपास की बिल्डिंग्स भी टूट जाती हैं, और इनमें वो बिल्डिंग भी शामिल थी जिसमें रे काम करता था। और तभी रे इन दोनों को लड़ता हुआ देख लेता है। इसके बाद इन शिफ्ट होकर रे के घर पर आता है। यहाँ पर मैरी रे को बताती है कि हाँ, मैं हैनकॉक को जानती थी, ये बात काफी पुरानी है, ये मेरा हस्बैंड हुआ करता था, लेकिन इसे दूर रहने के लिए मैंने तुम्हें चूज किया। लेकिन जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं आज भी तुमसे प्यार करती हूँ और हमेशा तुम्हारे ही रहूंगी। ये बातें सुनकर हैनकॉक को काफी दुख होता है। अब जहाँ पहले उसने ड्रिंक करना छोड़ दी थी, अब वो दोबारा से ड्रिंक करना स्टार्ट हो जाता है, इसीलिए वो पास के एक स्टोर में जाकर वाइन की दो बॉटल्स उठा लेता है। लेकिन जब वो बिल पे करने जाता है तो शॉपकीपर उसे कहता है कि मेरी शॉप में दो रॉबर्स छुपे हुए हैं। तब हैनकॉक अपने हाथ को उसकी दीवार में डालकर उन दोनों रॉबर्स को बाहर निकाल लेता है। वो उन्हें काफी
ही मारता पीटता है। लेकिन तभी एक रॉबर शॉपकीपर पर गन पॉइंट कर देता है। तभी हैंकॉक एक चॉकलेट को उठाकर उस पर दे मारता है, लेकिन तब तक रॉबर ने हैंकॉक को गोली मार दी होती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि आज तक जिसका खून बहा नहीं होता आज उसका खून बहने लगता है, यानी हैंकॉक का। उसका खून बहता है इसीलिए वो वहीं पर गिर जाता है। इसके बाद सारे लोग हैंकॉक को हॉस्पिटल पहुँचा देते हैं। वो ये सोचकर काफी ज्यादा हैरान होता है कि जिस इंसान का बॉम्ब कुछ बिगाड़ नहीं सकता उसे गोली कैसे लग सकती है। और तभी यहाँ पर मैरी आ जाती है। हैंकॉक को इस हालत में देखकर मैरी उसे बताती है कि ये साल आज से तकरीबन 40 साल पुरानी है। हम लोग उस टाइम भी एक हुए थे, लेकिन जब भी हम एक होने की कोशिश करते हैं तो लोग हमें मारने के लिए पहुँच जाते हैं और हमारे करीब होने की वजह से हमारी पावर्स भी खत्म हो जाती है। और ये देखो ये तलवार का निशान उसी बात का है। ये कहकर वो अपने हाथ पर जलने का एक निशान दिखाती है। वो बताती है कि ये निशान 1850 का है और उस टाइम भी हम एक हुए थे। एक घर के जलने पर तुमने मुझे बचाया था, इसके बाद तुम वहाँ से चली गई, यानी हम दोनों एक दूसरे से दूर हो गई, तो तुम भी ठीक हो गए और मैं भी। और ऐसा 80 सालों पहले भी हुआ था, यानी जब तुम्हारे सर पर चोट लगी थी जिसकी कहानी तुमने हमें सुनाई, लेकिन जब मैं तुमसे दूर चली गई तो तुम बिल्कुल ठीक हो गए। अभी ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर वो हाथ कटा रोबर पहुँच जाता है, यानी जिसका हाथ हैंकॉक ने काटा था। और वो वहाँ पर पहुँचते ही मैरी को गोलियों से शूट कर देता है, जिस वजह से मैरी काफी इंजर्ड हो जाती है और हैंकॉक को काफी गुस्सा आता है उसकी ऐसी हालत देखकर। इसीलिए वो एक एक करके उन सारे रोबर्स को मारने लगता है। अब यहाँ पर बेशक हैंकॉक की पावर्स कम जरूर हुई थी, लेकिन अभी भी वो पूरी तरह से इंसान नहीं बना था, इसीलिए वो वहाँ पर मौजूद सारे रोबर्स को मार रहा होता है। और लास्ट में बारी आती है उसी हाथ कटे रोबर की, और वो हैंकॉक को काफी मारता है और उस पर भी बहुत सारी गोलियां शूट कर देता है। जहाँ एक तरफ हैंकॉक को दर्द हो रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ मैरी भी तड़प रही होती है। यहाँ पर वो हाथ कटा रोबर उसे कहता है कि अगर तुम मरने के बाद हेल जाओगे तो मेरा शुक्रिया अदा जरूर करना, क्योंकि वो पर्सन मैं ही हूँ जो तुम्हारा खात्मा कर देगा, क्योंकि अब तुम पूरी तरह से एक इंसान बन चुके हो और अब तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता। और जैसे वो आखिरी गोली हैंकॉक के सर पर मारने वाला होता है, तभी वहाँ पर रे पहुँच जाता है और एक एग से उसका दूसरा हाथ भी काट देता है। लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि मैरी की सांसें और हार्ट बीट दोनों ही रुक चुकी थी। और तभी हैंकॉक को मैरी की बात याद आती है कि जब भी हम दोनों करीब होंगे या एक साथ होंगे तो हम इंसानों की मौत मरेंगे। इस बात को याद करके हैंकॉक फिर से खड़ा हो जाता है और वो हॉस्पिटल की विंडो से जंप कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि मैरी की हार्ट बीट थोड़ी सी बढ़ जाती है। हैंकॉक फिर से खड़ा होता है और फिर से जंप करता है, और तभी मैरी वहाँ पर सांस लेने लगती है। इसके बाद हैंकॉक इतनी बड़ी जंप लगाता है कि वो सीधा चांद पर पहुँच जाता है। और इसके बाद तो मैरी बिल्कुल होश में आ जाती है और वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। इसके बाद हमें 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम रे की फैमिली को देखते हैं जो कि काफी खुश थी। ये लोग वहाँ पर आइसक्रीम एंजॉय कर ही रही होती है कि तभी वहाँ पर रे के पास हैंकॉक की कॉल आती है और वो उसे कहता है कि एक बार जरा चांद पर तो देखो। और जब रे ऊपर चांद की तरफ देखता है तो वो देखता है कि चांद पर वही सिंबल बना हुआ है जो उसने बाकी सभी बिजनेसमैन को अप्रोच किया था अच्छे काम करने के लिए। इसका मतलब ये था कि हैंकॉक फिर से आ चुका है एक अच्छा सुपर हीरो बनकर लोगों की हेल्प करने के लिए। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।